चैप्टर 24 मर्ज सर्पो डोवर डीमन नेसी। तो वो जो मॉन्स्टर होता है आयरा ओकारून और मोमो पर अटैक करता है वाटर ब्लास्ट से, जिस अटैक को वो तीनों डॉज कर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर इतने में जो मॉन्स्टर होता है उसके अंदर पानी खत्म हो जाता है उस वाटर ब्लास्ट के अटैक की वजह से। इतने में जो आयरा ओकारून और मोमो तीनों उस मॉन्स्टर को देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर पानी को अब्सॉर्ब कर रहा था अपने नेक के थ्रू। तो यहाँ पर ओकारून बोलता है कि उसका नेक वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर आयरा बोलती है कि वो नॉनस्टॉप अटैक हमारे पर नहीं कर सकता। इतने में मोमो बोलती है कि अगर हम उसके नेक को तोड़ देंगे तो वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि चलो अटैक करते हैं। इतने में अपना ओकारून दोनों को बिठाकर अटैक करने को जाता है उस मॉन्स्टर की तरफ। तो यहाँ पर जो आयरा होती है अपने एक्रोबेटिक सेल की पावर का यूज कर उस मॉन्स्टर को ग्रैब कर लेती है अपने हेयर के थ्रू, फिर एक जबरदस्त किक मारती है उस पर। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है मेंटस का एक हाथ कर आयरा को एक तगड़ा पंच मारता है। यहाँ पर जो आयरा होती है पंच लगने की वजह से दो फ्लोर पार कर ऊपर की ओर चले जाती है इंपैक्ट की वजह से। इतने में जो मॉन्स्टर होता है वो ओकारून और मोमो पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक से ओकारून और मोमो दोनों डॉच कर लेते हैं उसको और साथ में आयरा को भी बचा लेते हैं। और इतने में जो मोमो होती है वो आयरा को पूछती है तुम ठीक हो, और आयरा बोलती है कि मैं ठीक बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर मोमो बोलते है इसका मतलब फिर तो तुम ठीक हो। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि उस मॉन्स्टर के पास उस मेंटस के हाथ है इसीलिए वो तगड़ा पंच मार पा रहा है। और इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है ये जो हरामी सर्पोयंस है उनको पहले से पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए उन लोगों ने इस नेस को भी लेकर आया था साथ में और उस मेंटेस को भी। और यहाँ पर ओकारून भी बोलता है कि ये बहुत पावरफुल है क्योंकि उसके पास लेजर बीम और वो खतरनाक पंचेस है। जमीन पर तो उसके पंचेस इतने पावरफुल नहीं है लेकिन पानी में उसके पंचेस बहुत पावरफुल हो चुके हैं। इतने में जो मॉन्स्टर होता है आकर इन तीनों पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि मेरे वाटर ब्लास्ट का पानी तो खत्म हो चुका है लेकिन तुम्हें मारने के लिए मेरे पास बहुत रास्ते हैं। तो वो मोमो को देखकर कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो इसलिए हम सबसे पहले तुम्हें मारेंगे, मारने के बाद हम तुम्हारे बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। इतने में फिर से वो मॉन्स्टर कहता है हम तुम्हें यहाँ पर डूबने के लिए छोड़ सकते हैं लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए हम तुम्हें जल्दी से मार कर इस गेम को यहीं पर खत्म करते हैं। इतने में जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर का यूज कर उस मॉन्स्टर को पानी से बाहर निकालती है। बाहर निकालते ही उस एलियन को कहती है कि तुम्हें इस मेंटिस के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये मेंटिस पानी के बाहर कुछ तगड़े पंचस नहीं मार सकता। इसके जो पावरफुल पंचस है वो सिर्फ पानी के अंदर चलते हैं। अगर वो पंचस पानी के बाहर मारेगा तो वो खुद के मसल को फाड़ सकता है क्योंकि उस पंचस के जो शॉक होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। इतने में वो मॉन्स्टर मोमो को खाने के लिए आगे आता है और मोमो उसके दांत को पकड़ लेती है। इतने में वो एलियन कहता है कि चलो तुम्हारे पास तो मेंटिस का सोल्यूशन है लेकिन हमारे पास नेस का पावर है जिसकी हेल्प से हम पानी के अंदर बहुत घंटों तक रह सकते हैं, उसका क्या करोगी? हम तुम्हें पानी के अंदर डुबा कर उस वाटर ब्लास्ट से तुम्हें मार देंगे। इतने में सीन जाता है आयरा और ओकारून की तरफ जहाँ पर जो आयरा होती है एक्रोबेटिक पावर की हेल्प से अपने बालों का एक रास्ता बनाती है जिसके ऊपर ओकारून टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में भागता हुआ जाता है और मोमो को बचा लेता है। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।